हेलो फ्रेंड्स, वेदम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत। आज हम फिर से एक नया टॉपिक ही स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज जान लेते हैं नया टॉपिक का नाम क्या है। पहले तो आज हम लेके आए हैं नंबर सीरीज। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे पास मैसेजेस आ रहे थे बहुत दिनों से नंबर सीरीज पे वीडियो के लिए, तो अब हम आपके लिए लेके आए हैं नंबर सीरीज, जो कि अगर देखा जाए तो हर एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपकमिंग IBPS PO के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 5 नंबर का प्रीलिम्स में और मेंस में 5 नंबर का, मतलब आप ये मान के चलिए 35 का अगर आपका प्रीलिम्स का मैथ सेक्शन है तो उसमें 5 नंबर की तो सिर्फ आपकी नंबर सीरीज आती है। तो नंबर सीरीज करने में हम लोग बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो आज हम कुछ ऐसे तरीके सीखेंगे, ऐसा वे में सॉल्व करेंगे जो आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा, आप आराम से समझ भी जाओगे और अब आपको लगेगा कि हाँ, नंबर सीरीज तो बहुत ईजी होती है। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, नंबर सीरीज इज ऑल अबाउट योर कैलकुलेशन, मींस मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, ओके, माइनस एंड प्लस। अगर ये आपका अच्छा है तो आप नंबर सीरीज आसानी से कर सकते हो। आइए चलिए देखते हैं हम कैसे बिल्कुल बेसिक से नंबर सीरीज को पहचान सकते हैं। सबसे बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा आपके लिए। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, तो आप मुझसे डायरेक्ट बता सकते हो कि अगला नंबर जो आएगा वो सर 12 आएगा। जी हाँ, अब आपको ये कैसे समझ में आया? आपके माइंड ने खुद रिस्पॉन्ड किया कि दो दो के गैप में चल रहा है तो अब ये क्या होगा, अगला 12 होगा। या आपके माइंड में ऐसा आया होगा कि 2 का टेबल चल रहा है तो 10 के बाद उसके बाद अब क्या आता है, 12 आता है। तो बेसिकली आपने यहां पर क्या वर्क कर दिया कि डिफरेंस जो चल रहा है इनके बीच में वो +2 का चल रहा है। आपने इजीली ये चीज समझ ली कि +2 का डिफरेंस चला है, तो देखिए आपको ये सीरीज। अब आप बोलोगे ये तो बहुत आसान था, ये तो हम देख के ही बोल सकते थे। जी हाँ, सीरीज भी ऐसी होती है, बस थोड़ा सा वहाँ कैलकुलेटिव होता है टर्म और थोड़े से तरीके अलग हो जाते हैं। आपको अंडरस्टैंडिंग बनना चाहिए, भाई इससे डबल चल रहा है क्या, इससे ट्रिपल चल रहा है क्या। चलिए अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बेसिकली आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, मैं समझा ही चुका हूँ आपको, डिफरेंस नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वही है जो आपके 90% सीरीज को आसानी से सॉल्व कर सकता है। जी हाँ, हर कोई उस सीरीज को आसानी से, हर सीरीज 90% इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ सीरीज होती हैं जो कि डिफरेंसेस से नहीं हो पाती, लेकिन 90% सीरीज आपकी डिफरेंसेस से ही सॉल्व हो जाती है। देखिए आइए उसी चीज को हम देखते हैं कैसे आसानी से सॉल्व हो जाएगी। मैंने यहाँ पर लिखा है 6, 6 के बाद मैंने लिखा है 7, 7 के बाद आया है आपका 10, 10 के बाद आपका आया है 15, 15 के बाद आपका आया है 22। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ मैं आज आपको, तो ये जो आज हमारा पहला वीडियो नंबर सीरीज पे है ये आपको बिल्कुल बेसिक का ही आइडिया दे रहा है। यहां पर अगर मैं देखूं, मैंने जैसा कि आपको बोला था आप सिर्फ डिफरेंस से सॉल्व करोगे, मैं डिफरेंस लिखता हूं, +1 हुआ ठीक है, +3 हुआ ठीक है, +5, +7, तो अब नेक्स्ट क्या होगा, यही हमें यहां जज करना था कि अब जो हमारा नेक्स्ट नंबर है वो क्या होगा। तो यहां पर आप देखो, 1 से बढ़ के कितना हुआ 3, लेकिन यहां से कितना प्लस हुआ था इसमें 2 बड़ा है, फिर 2 बड़ा है, फिर 2 से बढ़ के 7 का डिफरेंस हुआ। अब 7 से बढ़ के कितने का डिफरेंस होगा, यहां 9 का, तो 22 और 9 31। तो आपने इजीली यहां देखा, सिर्फ कुछ नहीं, आपने अपना माइंड भी नहीं बिल्कुल चेंज किया, जो आपके माइंड में आ रहा था बिल्कुल वही किया है। नंबर्स के बीच में पहले डिफरेंस लिखा जो कि प्लस में चल रहा था, +1, +3, +5, +7, +9। अभी भी हमने ज्यादा कुछ नहीं देखा, हमने ये देखा कि जो डिफरेंस है उनके बीच में भी एक कांस्टेंट डिफरेंस चल रहा है। हमें कांस्टेंट डिफरेंस तक पहुंचना पड़ता है कि कब हमारा जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो जाता है। अब 1 से 2 बढ़ के 3, 3 से 2 बढ़ के 5, 5 से 2 बढ़ के 7, 7 से 2 बढ़ के कितना हुआ डिफरेंस 9। अब ये 9 किस में ऐड हो जाएगा 22 में, तो कितना आया अगला नंबर 31। तो मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा, जब भी कर रहे हो तब थोड़ा सा माइंड शार्प करना है हमको, तो हम डिफरेंस पे फोकस करें।
ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिफरेंस से आसानी से सॉल्व होते हैं, बस थोड़ा सा हमारा माइंड डिपेंड करता है कि कैसे उसे कैच करना है। अब अगला एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आप लोग खुद ही करके देखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आंसर। वन टू सिक्स फिफ्टीन थर्टी वन क्वेश्चन मार्क। यहां मैंने एक सीरीज लिखी है आपको, वन के बाद टू, टू के बाद सिक्स, सिक्स के बाद फिफ्टीन, फिफ्टीन के बाद थर्टी वन, एंड आई एम आस्किंग द नेक्स्ट नंबर। मैं आपसे पूछ रहा हूं जो अगला नंबर होगा वो क्या होगा। तो कुछ नहीं है यहां पर, आसानी से जो हम करते हैं हमेशा पहले वो करेंगे भाई। पहले किसका गैप चला? वन का। फिर किसका गैप चला? फोर का। फिर किसका गैप चला? प्लस हो रहा है ये, नाइन का। फिर किसका गैप चला? सिक्सटीन का। अब यहां पर देखो आप, तो वन हुआ, वन के बाद फोर, फोर के बाद नाइन, नाइन के बाद सिक्सटीन, सिक्सटीन के बाद क्या होगा। तो ये हम देखने से पहले देखें क्या हमारा डिफरेंस अभी कांस्टेंट हो रहा है, मतलब एक सिमिलर डिफरेंस चल रहा है क्या। नहीं, जब तक नहीं होता तब तक हम डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालते रहेंगे। कैसे देखते हैं, अभी हमारा पहला डिफरेंस था, अब दूसरे नंबर का डिफरेंस निकालेंगे कैसे। एक और चार के बीच में भी हम क्या निकाल देंगे, इनके बीच में भी डिफरेंस कितने का चल रहा है, अब अगला आपको निकालना है। लेकिन अब इसका भी डिफरेंस का भी डिफरेंस कितना है, प्लस टू। कितना हुआ? प्लस टू। तो अब ये प्लस टू हुआ तो अगले वाले में ये क्या होगा, प्लस नाइन। तो यहां पर जो वैल्यू बनी, 16 और 9 25, 31 और 25 56। कहने का मतलब आप समझो, यहां पर, यहां हमने जब तक डिफरेंस किया, जब तक हमारा कांस्टेंट उनके बीच में डिफरेंस नहीं आ रहा था, मतलब ये देखो यहां भी प्लस टू है, प्लस टू प्लस टू आने लगा जैसे हमें पता चला कि अब हमारा रिपीट हो रहा है, तो मतलब अब हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या किया है हमने, देखिए आप, तीन प्लस टू कितना हुआ, फाइव, फाइव प्लस टू कितना हुआ, सेवन, सेवन और नाइन कितना होता है, सिक्सटीन। तो आपका यहां पर सेवन में भी टू जुड़ेगा तो कितना आएगा, नाइन, नाइन और सिक्सटीन 25, 25 और 31, 56। ये आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हैं कि अब इसके बाद कौन सा डिफरेंस आएगा। तो बेसिकली डिफरेंस में भी आपने यहां पर क्या निकाला, डिफरेंस, और उससे बिना किसी लॉजिक के इसे सॉल्व कर लिया। इसे सॉल्व करने का कोई दूसरा तरीका था? हाँ, बहुत आसान तरीका था। अगर आप इन सभी नंबर पे फोकस करो तो वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर प्लस जो हो रहा है, थ्री का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर, तो अगला क्या है, फाइव का स्क्वायर। मैं चाहता तो पहले ही आपको बोल देता कि आप तो ये देखो ना, यहाँ पर सारे के सारे स्क्वायर चल रहे हैं, वन का, टू का, थ्री का, फोर का, तो अगला तो फाइव का ही होना है। लेकिन ये जो मेथड है ना, ये आपको तब समझ में नहीं आती। फिर अभी आपने 16 देखा, 16 के बाद 25, आपको हमेशा ऐसे अवेयर रहना है कि क्या स्क्वायर साइड हो रहे हैं, वो तो अवेयर हो गए हम, लेकिन हमें हर क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। इसलिए हमने यहां पर यह चेक किया डिफरेंट डिफरेंस का कंसेप्ट आपका। अब हम देखते हैं हमारा एक और एग्जांपल जो आपको काफी हद तक क्लियर कर देगा कि डिफरेंस का जो बेसिक है ये कैसे चल रहा है। देखिए, एक तो मेरा माइंड है जो आसानी से सॉल्व कर सकता है चीजों को, जैसे 15 के बाद 31 हुआ, 15 का डबल 30 होता है, उससे एक ज्यादा दिख रहा है। देखो, एक तरीका ये बता रहा हूँ सिंपल, कैसे आप पहचानोगे कि सीरीज कैसे सॉल्व की जाती है। तो आप ये भी देखो, जो अगला नंबर हो रहा है वो कितने गुना बढ़ रहा है, कितने गुना घट रहा है। अब यहाँ 31 से भी आप देखो 60, तो 30 से डबल तो होता है 60, 31 का डबल 62, 31 का डबल 62 प्लस 1। तो यहां पर हो क्या रहा है बेसिकली, देखो पहले वाले में 2 का मल्टीप्लाई हुआ प्लस 1 दिखा हमें, 31 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ प्लस 1 दिखा हमें, 63 में फिर हमने देखा चलो ठीक है 60 का डबल 120, 3 का डबल 6 126 और प्लस 1 तो 127 हो गया। तो आपसे तो ये भी डबल हो जाना चाहिए और हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो गया। तो यहां पर कितना आ गया आपके लिए, 255। क्या इसे हम डिफरेंस से कर सकते थे, ये तो सर हमने डबल से लॉजिक लगाया, बट कुछ बच्चे होते हैं जो अभी ग्रूम कर रहे होंगे, बिल्कुल समझ रहे होंगे, सीरीज उनके लिए बिल्कुल नई होगी, उन्हें समझने के लिए आप इसको करिए डिफरेंट वाले कंसेप्ट से। किससे? डिफरेंस वाले कंसेप्ट से। कैसे करेंगे देखते हैं। पहले कितने का डिफरेंस आया, 16 का।
16 के बाद कितना आया? 32 का. 32 के बाद किसका आया? 64 का. 64 के बाद किसका आया? 128 का. तो यहाँ डिफरेंस पे डिफरेंस देखो, डिफरेंस आपस में डबल हो रहे हैं. या तो आप ये पहचान लो कि अब ये जो डिफरेंस है इसमें कितने का बना, 16 से कितना हुआ डबल, 32, 32 से डबल कितना हुआ 64, 64 से डबल कितना हुआ 128. तो डिफरेंस आपस में क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं. इसमें भी दिक्कत आ रही है, डिफरेंस का भी क्या निकाल लो डिफरेंस. चलो यहाँ 16 आया, यहाँ कितना आया 32, इसके बीच में कितना आया यहाँ पर 128. तो अभी आपको पता नहीं था कि यहाँ आना है, तो आपने वहां पर सॉल्व नहीं किया. अब बात की जा रही है कि इन दोनों के बीच में अब कितना आएगा, 16, 16 में 16 जोड़ा 32. अगले वाले में भी ऐसे ही कुछ होना चाहिए फिर तो भाई. यहां पर 16 है, यहां पर 32 है. अगर आप देखो यहां पर डिफरेंसेस क्या हो रहे हैं एक दूसरे से, जस्ट डबल पे चल रहे हैं. तो अगला वाला भी जब आप सॉल्व करने जाओगे फ्रेंड्स, तो यहां पर यही चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जो उनके बीच में डिफरेंस चल रहा है ना, वो भी डबल के हिसाब से चल रहा है. तो अभी आपका यहां 16, 16 से कितना हुआ 32, है ना. अब 32 से आपको यहां पर क्या, 32 और 32 64. तो अगला वाला क्या करना है, यहां पर डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहां 16 से 32, 32 और 32 64, 64 और 64 128 में 127 जोड़ा तो कितना आया आपका 255. मतलब आपने यहां क्या किया, डिफरेंस का भी क्या निकाला है, डिफरेंस. तो ओवरऑल यही एनालिसिस था कि जब आप अगर करना चाहो तो डिफरेंस के डिफरेंस से भी करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा. और फिर धीरे धीरे आपको ये मेथड तो सीखनी, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन करना है वो क्या करना है, वो टाइम के साथ अपने आप का कैलकुलेशन इम्प्रूव करना है. और जो मैंने पहले लिखा था, जैसे 15 से डबल 31 दिख रहा है हमें, बस एक ज़्यादा है. 31 से डबल 62 दिख रहा था, उससे एक ज़्यादा है. ये वर्बल कैलकुलेशन आपको ट्राई करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करनी है. तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर लिख कर दे रहा हूँ. आई होप आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसके आप लोग सभी लोगों को इसके आंसर्स देने हैं. फिर हम लोग जितना जल्दी हो सके उसमें रिप्लाई करेंगे कि आपके आंसर्स कैसे निकले. देखिए क्वेश्चन आप लिख सकते हो यहाँ पर 27, 27 क्या है 56, देन है 110, देन 222, 442 और आपका है वहाँ पर क्वेश्चन मार्क. अगला क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ वो देख लीजिए. ये तीन क्वेश्चन मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हैं. जो तरीका मैंने बताया इम्प्लीमेंट करिएगा, डायरेक्ट अप्रोच भी लगाइएगा. मुझे आपके रिप्लाई का बिल्कुल उम्मीद है कि सबके आंसर्स आएंगे सही. कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, गलती करने से मत डरिए, गलत आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन रिप्लाई ज़रूर करिएगा. हम जिनका सही होगा नेक्स्ट वीडियो जब मैं आपको बनाऊंगा तो उसमें ज़रूर शेयर करूंगा आपको कि किन किन जो हमारे आंसर्स आए थे, कितने व्यूअर्स के सही आए हैं, कितने व्यूअर्स के गलत आए हैं और इसका सही सॉल्यूशन क्या होगा. तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा. Thank you for watching us. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the video.